कर्नाटक चुनाव का मध्य प्रदेश पर काफी असर दिखाई देने वाला है, क्योंकि ऐन चुनाव के पहले कांग्रेस को मिली सफलता के बाद कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर गई है। इसी बीच एमपी में कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डीके शिव कुमार की एंट्री होने की बात कही जा रही है, जिस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में डीके शिव कुमार की एंट्री, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज। दिग्विजय कमलनाथ को बताया एमपी का डीके, कांग्रेस की सरकार आने के दावे पर किया पलटवार, बनी बनाई सरकार नहीं चला पाए अब क्या बनाओगे। एमपी में माना जा रहा है कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार सक्रिय हो सकते हैं। उनके लिए कहा जाता है सुनील कानून गोलू, जो कि कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, उनसे अच्छा समन्वय बैठता है। वहीं अब इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। डीओर के पहले से गए या तो मतलब दिग्विजय सिंह, ये मतलब कमलनाथ बर्बाद कांग्रेस कर रहे, को दो ही डीके काफी, बाहर के डीके आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा, ये अंदाज करना चाहिए कमलनाथ जी। अगर विश्वास करना है तो उस डीके पे मत करो। आदरणीय पचौरी जी घर बैठे हैं, अरुण यादव जी घर बैठे हैं, गुड़िया जी घर बैठे हैं, इन पर विश्वास करके इन्हें काम में लो। आयातित लोगों से काम नहीं चलने वाला मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के बारे में समझ गई है जनता। इसी तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ के बार बार कांग्रेस की सरकार आने के दावों को लेकर गृह मंत्री ने पलटवार किया कि वो बनी बनाई सरकार नहीं चला पाए अब क्या बनाओगे। देखिए, ये भ्रम के जाल में रखना चाहती है कांग्रेस, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, इसलिए दिन भर में कमलनाथ जी 10 बार बोलते हैं हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। सरकार तो जनता लाती है और जनता हटाती है, आप बनी बनाई नहीं चला पाएगी तो लाओगे कहां से। वहीं अपने बयानों में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आदिवासी बेल्ट में कमलनाथ के सक्रिय होने को लेकर भी पुराने दिनों की याद दिलाई और आदिवासियों से कुठाराघात के लिए कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।